दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि हरियाणा में मुसलमानों के साथ होने वाली जो मॉब लिंचिंग है वो थमने का रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी अगस्त के शुरू में यानी ईद उल अजहा, जो ईद बकरीद भी कहा जाती है, उसके पहले एक वहाँ पर लिंचिंग हुई थी। एक मुस्लिम को बीच सड़क पर गिरा के उसकी गाड़ी से उतार के उसको मारा गया, उसके सर पे हथौड़े बजाए गए, पूरी पब्लिक देखती रही, वीडियो बनता रहा, पुलिस भी खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। उसके बाद इल्ज़ाम ये था कि ये गाय का गोश्त बेच रहा है, जबकि वो रजिस्टर्ड भैंसी का गोश्त सब जगह सप्लाई करता था, उसके पास कार्ड भी थे, सारी चीज़ें थी। और अब दूसरी घटना ये आ रही कि जो अभी अगस्त सेप्टेम्बर शुरू हुआ है, अभी धूल उसकी थमी नहीं है, कि हरियाणा के पानीपत तहसील के घरौंदा गांव में, अलीपुर में, अलीपुर घरौंदा तहसील के अलीपुर में एक मस्जिद के इमाम पर हमला किया गया। उसको बहुत बुरी तरीके से रॉड, हॉकी और डंडों से पीटा गया। कोई 16-17 लोगों ने जाके और पीट के भाग गए। ये पिछले 2 महीने में ये दूसरी घटना है जो हुई है, इसके पहले भी कई हुई है। घटना के अनुसार जो मैं आपको अभी की घटना को बताऊंगा, उसके पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कराइए लोगों से, और जो नीचे लाइन चल रही है उस पर जो कुछ भी चंदा वगैरह दे सकते हैं हमें दीजिए, जितना भी दे सकते हैं हमें कबूल होगा। अब घटना में आगे तक की तरफ बढ़ते हैं, जो हरियाणा की घटना है। उसके अनुसार रात के लगभग 8 बजे के आसपास की घटना है। 15-16 लड़के मोटरसाइकिलों पर बैठकर आए और मस्जिद में मौजूद इमाम हफीज़ एहसान को, जो हफीज़ एहसान नाम है और हाफिज़ है वो, हफीज़ एहसान को लाठी डंडों सरियों से उनके ऊपर हमला कर दिया। तभी गाँव में शोर मचा और जैसे शोर को सुनकर हमलावर अपने अपनी मोटरसाइकिलों पर भाग लिए। पर तभी गुरमीत नाम के एक जो नौजवान था उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया, मोटरसाइकिल रुक गई, तो उसको गांव वालों ने घेर के पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। उसको लोगों ने उसे सुबह शाम और हवाले कर दिया। और सुबह ये खबर लेके गांव वालों की पंचायत बैठी, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पंचायत बुलाई गई। सरपंच रामकिशन ने वहाँ बैठ के फैसला किया कि उसको जाके पहले पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं और फिर हमारे गांव की कोई सांप्रदायिकता बहाल रखी जाएगी, यहाँ पे कोई ऐसा दंगा नहीं होने दिया जाएगा। ये वहाँ पे बैठ के फैसला हुआ रामकिशन में। तो पुलिस स्टेशन गए वो लोग, सबसे सरपंच वहाँ पे, उन्होंने हमलावरों को गिरफ्तार करने की और उन्हें सख्त सज़ा देने की बात भी की। हरियाणा में लिंचिंग की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। आप देखिए, मैंने ये 2 महीने के अंतराल में 2 लिंचिंग की पब्लिकली घटनाएँ सुनाई हैं। और 2 अगस्त 2020 को की जो घटनाएँ जो शुरू में हुई थी अगस्त में, जिसमें बकरीद के आसपास जो कि जिसको कहते हैं, उसमें जो मोहम्मद सुलेमान नाम के, सुलेमान खान नाम के एक व्यक्ति को पूरी पब्लिक के सामने हथौड़े से मारते रहे, उसके सर पे हथौड़े मारते रहे और पुलिस खड़ी हुई देखती रही। जब इसका वीडियो बन गया और वीडियो वायरल हुआ, कम से कम 20 मिनट तक उन्होंने उसकी धुनाई की इस तरीके से। जब वीडियो वायरल हुआ तो इसके बाद इसका जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो हरकत में आई और गिरफ्तारी की गई, और जो पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर देख रहे थे उनको सस्पेंड किया गया। कार्रवाई तो हुई लेकिन देर आई, लेकिन हाँ कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक घटना तो हो गई, वो आदमी बच गया। लेकिन आज तक उसके पास जाई तो वो कहता कि नहीं, इससे बेहतर थे मर जाएंगे, जो हालत मेरी अब चल रही है तो इससे बेहतर था कि मुझे मार डालते वो लोग। उसके पहले अगर देखा जाए तो अप्रैल 2019 में गुरुग्राम से लगे एक गांव में होली के आसपास उनकी छानबीन हुई तो उन लोगों के घरों में भगवा झंडे लगे हुए मिले, उन्होंने एक मुस्लिम घर में हमला किया, घर में घुस के मारा उन लोगों को और बुरी तरीके से पिटाई की उनकी। मसला बच्चों के क्रिकेट के झगड़े के ऊपर था और ये आगे तो हम लोग पाकिस्तान जाइए। उसका वीडियो जब वायरल हुआ तो उस पर कार्रवाई जो हुई है उसको अभी तक पता नहीं चला कि क्या कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर लोग
हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, कुछ लोग बाहर चले गए थे और वहाँ के एसपी वगैरह ने कहा हम उनको गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ पब्लिक में अभी नहीं आया है। 2018 में ईद की ख़रीदारी करके जुनेद दिल्ली से जा रहे थे, सीट के ऊपर उनसे किसी से बातचीत हुई, झगड़ा हुआ और वहाँ के कई लोगों ने उनको मिलकर मारा और चाकू घुसेड़ दिया और प्लेटफॉर्म पर उतार दिया, वहाँ जहाँ उनकी मौत हो गई। इसके लिए भाई मुसलमानों को पकड़कर दाढ़ी कटवाने की घटनाएँ भी हरियाणा में ही देखी जाती हैं। अगस्त 2018 को मुस्लिम नौजवान जफरुद्दीन की ज़बरदस्ती पकड़ के दाढ़ी मुड़ दी गई नाई के यहाँ बुला के, जबकि पुलिस ने नाई को गिरफ्तार किया गया, उन कल्प्रिट को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। 14 मार्च 2019 को हरियाणा के चरखी दादरी के बस स्टॉप पर दो एक इदरीस और उनका बेटा मोहसिन बुलंदशहर जाने के लिए पहुंचे, दाढ़ियाँ थी, मुसलमान थे, उनको 10-15 लोगों ने घेर लिया और ज़बरदस्ती उनकी दाढ़ी कटवा दी गई। वहीं एक खबर और है कि कोरोना काल में जहाँ पर मुस्लिम परिवारों का बायकाट कर दिया गया, कई गांवों में मुस्लिम परिवारों को बायकाट कर दिया गया, ये लगा के इल्ज़ाम कि ये जमाती हैं, उनके यहाँ से कोई चीज़ खरीदी नहीं जा रही थी, दुकानदारों के यहाँ से कोई चीज़ मना कर दिया गया, ममानियत कर दी गई, बैन लगा दिया गया कि इनकी दुकानों से कोई चीज़ ना खरीदी जाए, कोरोना फैला रहा है, और धमकियाँ दी गई कि गाँव छोड़ के चले जाइए। इसी बीच में एक गाँव में 35 लोग मुसलमान हुए, जैसे कहा जाता है मुसलमान से हिंदू में धर्म अपनाया, जिसके बारे में कड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि वो बेसिकली हुए कि नहीं हुए या ये प्रोपोगेंडा, उसका कभी तक नहीं हुआ। ये चंद घटनाएं जो हमने बताई हैं कि जो अभी 1-1.5 साल के अंदर की घटनाएं हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये हरियाणा है, खट्टर का राज है, वहाँ पर खट्टर मोदी जी के बड़े करीबी दोस्त हैं। कहा जाता है कि वो लोग जब अपना आरएसएस में थे, प्रचारक थे, तो एक ही कमरे में रह करते थे, खट्टर साहब स्टोव जलाते थे, खाना बनाते थे, दोनों साथ खाते थे, इतने अच्छे दोस्त थे। तभी वो पंजाबी होने के बाद भी बावजूद भी जाट बहुल हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे और आज तक बने हुए हैं मोदी कृपा की वजह से। ये हालत है वहाँ की लिंचिंग की कि आज तक लिंचिंग चल रही है, जिसको ना कंडेमनेशन है ना उसकी गिरफ्तारियाँ हैं। अगर ये कुछ ना कुछ होता तो ये ज़रूर रुकते नहीं रुकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।